हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस जी वेब टेक ट्रेसी के चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ एडिटर के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आप फुल्ली आपका अनलॉक वर्जन जो है वो अवेलेबल है, यानी कि मैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक करना है मैं उसको अभी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। उससे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर की कुछ झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इजीली टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं नेम चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जो भी काम करते हो यहाँ पर आप सेम काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और इसका साइज जो है वो बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक अंडरलाइन कर दिया हूँ, यानी कि एमएस ऑफिस में जो भी फीचर्स आपको अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में भी आपको वही फीचर्स अवेलेबल है। आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर फुल्ली क्रैक्ड है, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल रहा है और इसका जो भी फीचर्स है अमेजिंग फीचर्स है एंड वो सभी आपको अनलॉक मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आप जान जाओगे कैसे इस सॉफ्टवेयर का क्रैक करना है और सॉफ्टवेयर को फुल्ली यूटिलाइज करना है। और हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास तुरंत लेकर हाजिर होता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत आप बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि मेरा सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का ब्राउजर में चला जाना है। गूगल क्रोम में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था उस लिंक को पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आई सब पीडीएफ एडिटर का क्रैक वर्जन का जो है वो वेबसाइट खुल गया है। अभी ध्यान से फॉलो करना डाउनलोडिंग स्टेप, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है आईस्काईसॉफ्ट पीडीएफ एडिटर प्रो 6.3.5 क्रैक फुल वर्जन डाउनलोड लिंक्स। यहाँ पर आपको पोर्टेबल वर्जन में क्लिक नहीं करना दोस्तों, आपको एकदम ऊपर वाला जो है सेटअप प्लस क्रैक 119 MB का, इसको आपको डाउनलोड करना है। इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट पर। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा दोस्तों। वेरीफाई हो चुका है, अभी आपको क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड में क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा डाउनलोड जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले से इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये होगा आईस्काई सॉफ्ट का पीडीएफ एडिटर क्रैक वर्जन विथ फुल सेटअप। तो इसको आपको यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अभी आपको फोल्डर में जाना है और यहाँ पर से आपको नॉर्मली आप ध्यान से स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको यहाँ पर से आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है लैपटॉप या पीसी का वो ऑफ रखना है, उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखना है। मैं यहाँ पर ऑफ कर दिया इंटरनेट कनेक्शन, आप देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में आना है पीडीएफ एडिटर में और राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। तो अभी यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, फिर इस पर नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है और आपको नेक्स्ट करना है, फिर से
अभी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। दोस्तों आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको इन तीनों टिक में से आपको ऊपर का जो टिक है लॉन्च द प्रोग्राम, उस पर आपको टिक करना है और उसको अनचेक करना है, फिर यहाँ पर से आपको फिनिश करना है। यानी कि आपको इंस्टॉल हो जाने के बाद ही सॉफ्टवेयर को तुरंत ओपन नहीं करना। अभी जो है मेन स्टेप बाकी है, क्रैक क्रैक का जो स्टेप है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद आप यह बात देख सकते हो आपके डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर का आइकन क्लिक हो आइकन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको उसको नहीं खोलना। यहाँ पर से आपको क्रैक फोल्डर में जाना है, फिर यहाँ पर आपको जो जो भी है इन दो फाइल को आपको कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको दिस पीसी में जाना है। Windows 7 में होगा माई कंप्यूटर, तो दिस पीसी में जाकर आपको Windows C में जाना है, फिर यहाँ पर से आपको प्रोग्राम फाइल x86 में जाना है, फिर यहाँ पर से आपको iSky सॉफ्ट की फोल्डर में जाना है, फिर यहाँ पर आपको फिर से PDF एडिटर की फोल्डर में जाना है, फिर यहाँ पर आपको वो जो फाइल जो आप कॉपी किया था दो फाइल यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप अभी आराम से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकते हो। आपको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था सभी फीचर जो है वो अनलॉक है। आप यहाँ पर PDF एडिट कर सकते हो, PDF को कन्वर्ट कर सकते हो, ऑफिस के थ्रू PDF को कन्वर्ट कर सकते हो, MS ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप PDF क्रिएट भी कर सकते हो। MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, उस सभी प्रेजेंटेशन को आपको यहाँ पर PDF करने का मौका मिल रहा है, जो कि एकदम फ्री में। अभी यहाँ पर आप कॉम्बाइन PDF यानी कि PDF को कॉम्बाइन भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो यानी कि फुल अनलॉक्ड है। मैं आपको एक PDF एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से आपको सॉफ्टवेयर को खोल लेना है, फिर आपको एडिट PDF पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको कोई भी PDF में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये PDF चूज करता हूँ। अभी यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हो मैं कोई भी टेक्स्ट PDF का कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज पे जाकर मेरा ये असाइनमेंट है, और मैं यहाँ पर मेरा नेम जो है वो चेंज करूंगा। ये बार आप देख सकते हो दोस्तों नेम जो है मैं चेंज कर लिया, यानी कि एडिट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर से मैं आपको एक सेव करके भी दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया, यानी कि आप देख सकते हो। अभी मैं डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों पहले जो था आप देख सकते हो ये नेम जो है चेंज हो चुका है, शांतनु से साइन हो चुका है, यानी कि PDF को सक्सेसफुली हम एडिट कर सकते हैं इसमें। और जो है दोस्तों मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं देखने का मिलेगा। दोस्तों कोई भी पेज पे आपको वाटरमार्क नहीं दिखेगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर की वाटरमार्क कोई भी पेज पे आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फुल्ली अनलॉक्ड है। आप अगर आपका ये सॉफ्टवेयर अनलॉक नहीं होता, आप अगर ट्रायल वर्जन यूज करते तो कैसा इंटरफेस होता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं इस PDF को ट्रायल वर्जन से एडिट कर चुका हूँ। ये बात देख सकते हो हर पेज पर PDF एलिमेंट नाम की एक वाटरमार्क आ रही है, यानी कि ये जो है ये सॉफ्टवेयर तभी अनलॉक नहीं थे, अभी क्रैक फुल्ली हो चुका है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आपके पास हाजिर होता हूँ। थैंक यू दोस्तों।